आगमन पुरब जो पिछले तकरीबन 40-50 साल तो बाबे फरीद की धरती शहर फरीदकोट मनाया जाता है हर साल 19 सितंबर तो 23 सितंबर तक। सो साडी जथेबंदी जिहड़ी साइकलिंग क्लब है रजिस्टर्ड बॉडी है उहदे वल्लों यह फैसला किया गया कि असी इस 3 साल पहला बाबा फरीद जी के आगमन पुरब से एक नवा ईवेंट शुरू करना है तो वह ईवेंट साइकलिंग क्लब के रूप में शुरू करना है। सो इस बार 3रा साल है तो तुम वेख रहे हो किन्ने बच्चे किन्ने नौजवान मुक्तसर मोगा बठिंडा तो इतों तक फिरोजपुर के भी जोड़े साइकलिस्ट राइडर ने जोड़े वो अज इस थान पर पहुंचे ने। सो बाबा फरीद जी की याद न उन्होंने चरणों नतमस्तक होकर इस साइकलिंग क्लब वालों जोड़ा है रजिस्टर्ड बॉडी है ये वालों अज एक राइड कराई जा रही है जिदे विच माणयोग SSP फरीदकोट सरदार हरजीत सिंह जी वो विशेष तौर पर खुद साइकलिंग 30 किलोमीटर करा करे तो जोड़ा अखीरला पड़ाव होगा दास्ता होटल होगा तो इस तरह जोड़े माणयोग साढ़े जोड़े दूजे पुलिस अफसर है वो भी आ रहे हैं सारे तो एक राइड होगी एक प्रेरणा स्रोत है भी तंदुरुस्त शरीर आप कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत खुशी बाबा फरीद जी की वरसाई हुई धरती से बाबा फरीद जी की नाम लेवा साध संगत के अज के इस साइकलिंग राइड जो बाबा फरीद जी को समर्पित साइकलिंग राइड है वो फरीदकोट जिले तो अलावा होर जिले तो जिन्हें भी राइडर अज इतने पहुंचे असी सिर झुका के तुहाडा सारिआं नूं जी आया ते तुहाडा धन्नवाद करते हैं कि तुसीं बाबे फरीद की याद आपके घरों चल के समझो ये सच्ची श्रद्धांजलि है क्योंकि गुरु घर च पैसा देना वक्री गल है वो तो रौले ही रौले है लेकिन जिहड़ी गल तुसीं कीती है ये निष्काम सेवा जिहदे च कोई लोभ नहीं लालच नहीं कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं तो आपके बच्चों को समाज को तुम नशे के प्रति अवेयर कर रहे हो कि तंदुरुस्त जिंदगी ये की होंगी है ये बारे की गल है। सो अज साडे मानयोग MLA साहब सरदार गुरदेव सिंह जी सेखों साहब साडी सारी समुची टीम साइकल राइड दी नाल साडे IG साहब अजय मनुजा जी अते नाल साडे बहुत अदबी मैं अदबी शब्द वरत रहा क्योंकि पंजाबी एक अदब तो उर्दू की अदब तो बंद भी अदब होंगी है सौ साढ़े माणयोग अदबी SSP साहब सरदार हरजीत सिंह जी नाल उन्होंने जोड़े परिवार के बंदे आए ने बच्चे IG साहब के सारे जी आया कहने हैं तो मैं थोड़ी जी बेनती करूँगा कि IG साहब पिछले 3 साल पहला असी साइकिल राइड शुरू की क्योंकि 11 साल पहला मेरे ग्रैंडफादर ने आपकी उंगल फड़ के उंगल दे के मैं उन्होंने उंगल फड़ के जोड़ा ये बाबे फरीद की सेवा शुरू की बड़ी मेहनत की ठीक है पेपर दे के अफसर नहीं लग्या ठीक है मैं कोई आपका कारोबार नहीं किया ठीक है मैं कोई आपका निजी लाहा नहीं लिया लेकिन मैं आपके दादे तो सीखा बहुत कुछ क्योंकि जो धक्के खा के तजर्बे सीखने हैं और तुम आपके व्डे वडेरिया तो उन्होंने गल् सुन के सीख सकते हो। सो मैं बजुर्गों की संगत की तो उन्होंने मैनु इस समाज तुरना चलना सिखाया तो उस बदौलत 6-7 योजे ईवेंट है बाबे फरीद आगमन पुरब से जेडे ना कदे होए सी ना कदे सोचा सी ते ना ही किसी के मन से भी ये कराइए सब तो पहला तो कबड्डी का गोल्ड कप टूरनामेंट साढ़े बाबा फरीद आगमन पुरब से कदे भी कबड्डी का गोल्ड कप टूरनामेंट नहीं सी होंदा पिंडां दे सरपंच इकट्ठे हो जेब चों 10-10 हज़ार रुपया पाया 20-20 हज़ार रुपया पाया किसी को कुछ ना मंगया तो कबड्डी टूरनामेंट शुरू कराता इस तरह गतका गोल्ड कप पंजाब चों गतके दे सारे मार्शल आर्ट क्योंकि एक पंजाब दे जरनैलों का हथियार है गतका उहदे विच मार्शल सिखाउंदे आ भी किवें तुसीं आदि रख्या करनी है किवें लड़ना है असीं एक दिना गोल्ड कप गतके का शुरू कराया वह भी आपदियां जेबां दे विचों पा के सारे ने शुरू कीती सी इस तरह साइकल राइड जिहड़ी कदे भी नहीं सी होई ते ना किसी ने सोचा सी हले उंगर दा बच्चा है यह साइकल क्लब 3 साल ही होए है ऐतकी 4th साल है 3रा साल तो इस साल सानू बड़ा माण है तो फख्र है कि फरीदकोट जिले के वो अफसर जिहड़े AC कमरिया च बहिंदे ने जिहड़े वड्डे वड्डे घरां च रहिंदे ने
जिन्हों के अगे पिछे पंजा पंजा सौ सौ गनमैन तुरे फिरते ने, जिन्हों की कुर्सी तो बह के शायद आम लोग बड़े छोटे छोटे लगते हैं। आम तौर पर राजभाग के बंद व्डिया कुर्सियां च लोग छोटे लगन लग जाते हैं। सो मैं जाती तौर पर क्लब वालों धनवादी हाँ आई जी साहब का एस एस पी साहब का। मैं इमानदारी कहना कोई झोली झोट वाली गल नहीं, मैं बड़े आई जी वेख ले, बड़े एस एस पी वेख ले, नेड़े हो देखे उन्होंने दफ्तर बारे गल् बहर निकलदियाँ वेखिया, उन्होंने चाह पिने वाले, उन्होंने रीडर, उन्होंने जोड़े सफाई सेवक है, कदे अफसर के घर दिन गलिया नहीं रहा बहर हमेशा आदियाँ। पर मैं थोड़ा अज बाबे फरीद को हाजिर नाजिर समझ के कह रहा भावें ट्रैफिक कार्ड चेक करा लो, दोनों अफसर बैठे जिथे जिथे रहे हैं। सरदार हरजीत सिंह एस एस पी फरीदकोट, कोई बंदा उंगल चक के उठा दे कि इस बंदे के उत्ते किंतु परंतु करके उठा दे। तो मैं अच्छ सरदार गुरदेव सिंह होर कहना बेनती करता, क्योंकि ये साढ़े सत्कारयोग है, साढ़े गोद भाई भी है, साडा पिंड भी एक है। जो माणयोग सी एम साहब है कि 22 तरीक आन कि असी झोली अड के बेनती करते हैं कि जिन्ना चिर तीन सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी है, फरीदकोट को सरदार हरजीत सिंह बतौर एस एस पी सानू चाहिए। आई जी साहब, क्योंकि आई जी साहब का पत्थर वे अफसर हाथ है तो सो आई जी साहब अजय मनुजा जी जो थोड़ा समा पहला साढ़े आए है, देखो गल् बड़िया होंगे, बहुत राजभाग आए, अकालिया का भी वेख्या, कांग्रेसियों का भी वेख्या, सरदार भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी का भी वेख रहे हैं। पर याद वो बंदे रेंदे जिन्हों के चेहरे से सादगी हलीमी तो मन साफ, क्योंकि बजुर्ग एक गल कहते कि जिंदी नीयत तो नीति साफ है ना, वो सारिया पुठिया भी सदियाँ पैदा। सो नीयत तो नीति की गल है। सो अज मैं फकर ना मैं कह रहा कि सरदार महेंद्र सिंह बाबा जी आओ एक मिनट, 80 साल तो वध की उम्र के सरदार महेंद्र सिंह 30 किलोमीटर 80 साल अच्छे अभी खुशे हो जाए नहीं साढ़े तो खुराक नहीं। पर वेखो मीह पहली बार हो मीह 30 किलोमीटर सरदार महेंद्र सिंह खालसा जी ने पूरे करके अज इतने आए हैं। साडा सिर झुकता है, अज बाबा फरीद जी भी अमृत बैठे कि याद करते होने कि मेरे फरीद कुटिए किडे मैं प्यार करते हैं कि इस उम्र च भी भजे फिरते हैं। इस तरह शुभ कर कितने शुभ कर आ जा भाई 10 साल 30 किलोमीटर 10 साल छोटी का कटिया। मैं क्या तेन वधाई हो इस 10 साल की उम्र जिहड़ा इन्हें एडा जज्बा के मीह 30 किलोमीटर यह सब तो छोटा राइडर है जी। अब तकरीबन 80 के करीब राइडर ने हिस्सा लिया, MLA साहब 80 के करीब राइडर ने हिस्सा लिया, तो 80 के करीब जो राइडर उन्होंने 20-22 राइडर 25 राइडर फरीदकोट के, बाकी सारे बाद में कोई तरन तारण साहब तो आए, कोई श्री मुक्तसर साहब तो आए, कोई फिरोजपुर तो आए, तो कोई अड्ड होर सूबे तो है। सो नाल ही दो मेरिया भैन ने डॉक्टर मुस्कान तो डॉक्टर कशिश जिन्होंने BDSC पढ़ाई की, दूसरे घर जाके रोटी पकाने वास्ते नहीं पड़ती, कुड़िया च इन्नी शक्ति है कि वह पढ़ के कुछ बन पैसा कमा तो थले दो नौकर रख, कुड़िया का काम नहीं कि किसी घर के चूल्हे में जाके अग लाउनी है, ये काम नहीं कुड़िया का। सो बड़ा मोटीवेशनल लैक्चर से उन्होंने का मैडम का। सो बड़े 10 साल पुरानी गल कर रहे हैं, जो बंदे रिटायर हुए बैठे ने, क्योंकि ऐलान कई बार ऐलान ही रह जाते। अज जो वीडियो चली कि आई जी साहब के एस एस पी साहब भी इस राइड च हिस्सा लै रहे हैं तो 30 किलोमीटर चला रहे हैं, तो 1 घंटे बाद कनेडा तो 12 साल पहला गए परिवार का फोन आ गया गिरी जी को, कहता भी अगले साल गोल्ड मैडल मेरे वालों साइकिल प्योर गोल्ड, पानी चढ़िया गोल्ड नहीं, प्योर गोल्ड प्योर सिल्वर, उदों ही फोन आ गया सिर्फ इस गल करके कि एडे वे
वे अफसर भी जोड़े है इस क्लब का मान करते बाबे फरीद की रूह में सजदा करने इतने आए है सो धनवादी है सारे दे सारे क्लब मैंबर भाजी ने पंजाब पुलिस चो रिटायर हुए हैं। देखो सर साढ़े जिन्हें समागम तुम जाओगे ना जिन्हें क्लबों से जाओगे साढ़े कोई आर्मी चुड़क है कोई पुलिस चुड़क है कोई खजाने चुड़क है कोई अपना टीचर रख है साढ़े तो वक् वक् बन गई है सारिया जीवन पेश हो गई सारे जाने के एम एल ए साहब साढ़े आप पंजाब पुलिस से देखो किस्मत की खेड इनू कहते मुकद्दर पहला बने सधारण घर चो पैदा होके पुलिस के पुलिस तो बन के बास्केटबॉल के प्लेयर किन्ने साल उत्थे बच्चे खड़ाई गए तो ऐसे ही किस्मत ने वल भंडी तो वल भन के सीधा सरदार गुरु सिंह के मत्थे च वजी कि लै भी तू एम एल ए बन कहीं सोचा ही नहीं किस्मत पहला यकीन करना चाहिए तो मेहनत करनी चाहिए है मेहनत में मुरादा ने सो सारे का तह दिलों धन्यवाद सारे सरदार चरणजीत सिंह होनी आप अश्विंदर होनी ये भी पंजाब पुलिस के